कि आज जो इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रिस्पांस था, जिस भारी तादाद में लोग इस रैली में आज शामिल हुए और जो अपार प्रेम स्नेह और आशीर्वाद लोगों ने हमारे उम्मीदवार को दिया है, मुझे लगता है कि उपचुनाव ज़रूर है लेकिन माहौल ऐसा है कि लोग इस बार कांग्रेस को पहले से ज़्यादा बहुमत देने का मन बना चुके हैं। और स्वर्गीय कुंडर साहब ने जो सेवाएं दी हैं इस क्षेत्र में, अपने 4 दशक के जीवन में हमेशा लोगों के लिए समर्पित रहे, सत्ता में हों या ना हों, तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम हमेशा रोशन किया। और मैं मानता हूं कि उनको आज हम सब, न सिर्फ हमारी पार्टी लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग मतदाता बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और पार्टी ने सबसे चर्चा करने के बाद, सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात करने के बाद रूबी कुंडर जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नौजवान है, अनुभवी है और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में कांग्रेस की पार्टी की राजनीति में सक्रिय है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वोट होगा ये नौजवानों को ताकत देने वाला वोट होगा, ये वोट कुंडर साहब के जो किए हुए काम हैं उनकी याद का वोट होगा और आने वाले भविष्य में एक मजबूत आवाज़ विधानसभा में यहाँ से रहे, इस बात को देखकर अपना वोट डालेंगे और रूबी कुंडर मुझे लगता है भारी बहुमत के साथ यहाँ से जीत कर जाएंगे। पहली बात तो ये बात ठीक है, 4 स्टेट्स में हमारी सरकार सिर्फ तेलंगाना में बनी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारा वोट शेयर जो है वो लगभग इंटैक्ट है, कई जगह बढ़ा भी है। हम चुनाव नहीं जीत सके उसका दुख हम सबको है। और राजस्थान में ये परंपरा है 30 साल में कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल फिर बीजेपी सरकार आती है। उस ट्रेंड को, उस परंपरा को तोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। मुझे खेद है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे 69 विधायक जीत कर गए हैं। और बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं मुझे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना था, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो इतने लंबे समय तक अगर अनिश्चितता रहती है, इनडिसीजन रहता है, तो लोगों में गलत प्रभाव जाता है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार बनने के बाद एक तरफ कहा जा रहा था कि पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोज़गार पर किया है। अगर आपको योजना का नाम पसंद नहीं है, आपको काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन इतने हज़ारों नौजवानों को सरकार बनने के बाद बिना वजह आप उनकी नौकरी समाप्त कर दें, ये एक गलत संकेत जाता है, नकारात्मक सोच है। आप नए अपॉर्चुनिटी ना दे पाएँ लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उनको आप बंद करें, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और युवाओं को न्याय, युवाओं को रोज़गार, युवाओं को अवसर देने की बात कर कर ये सरकार बनी थी। और पहले कदम में, अभी तो सरकार पूरी बनी भी नहीं है, अभी तो मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है मंत्रियों की, और अभी से ही इस प्रकार की सरकार के जो कदम है वो लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा करते हैं। बहरहाल ये उपचुनाव है, ये इम्पोर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए, हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, पूरा हमारा पार्टी का संगठन लगा हुआ है और जनता की भावना हमारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को भी एक आईना दिखाने वाला काम होगा जब 5 तारीख को मतदान यहाँ पर होगा। सर, मैंने कहा ना, हम लोग चुनाव हार गए लेकिन अभी हमारा इमीडिएट टास्क ये है कि लोकसभा के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। और जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे पार्टी नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाकर एक राज्य की जिम्मेदारी दी है, मैं लीडरशिप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकसभा से कुछ महीने पहले एक जिम्मेदारी मुझे दी है, उसका पूरी तरह मैं निर्वहन करूँगा। और बहुत जल्द राजस्थान में भी हम निर्णय लिए जाएंगे कि कौन विपक्ष का नेता होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिला कांग्रेस कमेटी में क्या क्या बदलाव करने हैं। लोकसभा को देखते हुए जहाँ पर जो बदलाव करना है उसका संज्ञान AICC ले चुकी है और बहुत जल्द उस पर निर्णय लिए जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के हारने के बाद आपको राजस्थान में बड़ी भूमिका देने की बजाय आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बाहर कर दिया गया, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा की तरह आपको भी साइड लाइन किया जा रहा है? जहाँ हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है और जहाँ प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग
बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपको ये लगता नहीं मैं गहलोत अशोक गहलोत और सचिन पायलट सरकार है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज है, जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही आ रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद्व ना चलता? देखिए ऐसा ये सब ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं और दो नहीं जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी, लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए, लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे, जिसको जहां जो काम दिया जाएगा जिस नेता को वहां काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का, क्या होगा, ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी, उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से यात्रा निकलेगी, उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है, लोकतंत्र में संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नज़रअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें, तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना, तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। सर, लोकसभा चुनावों की सुनने में आने पहले जारी कर देगी, कब तक उम्मीद है? देखिए ये काम स्क्रीनिंग कमेटी करती है और सीसी करती है, लेकिन हमारी तैयारियाँ रोज राहुल जी और खड़गे जी मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, सभी लोगों से बात कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्दी निर्णय हो, लेकिन मुझे लगता है कि सही समय में सही निर्णय होगा। हमारा समझौता इंडिया अलायंस के साथ चल रहा है, कहाँ कौन कितनी सीट लड़ेगा, कमेटी बन चुकी है, बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा किस राज्य में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद उम्मीदवारों को हम तय करेंगे। सभा में एक सवाल उठा था कि नशे का दौर बहुत ज्यादा चला, उसका क्या कारण रहा? देखिए ये पंजाब में क्या होता है, केंद्र सरकार में क्या होता है, समाज में सारी जो बुराइयां उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में रूबी जी ने खुद कहा है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो हित में होगा उस काम को करेंगे। ये 5 तारीख को मतदान होगा और मेरा मन ये कहता है कि अब तक जितना बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला इस विधानसभा क्षेत्र से, उससे ज़्यादा वोट लेकर रूबी जी राम जी तक। कभी वो सीएम को बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं, क्या कहेंगे? अब यहाँ जी कोई भी आ जाए, यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि रूबी कन्नर को विधानसभा भेजना है और मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लोग देख चुके हैं, परख चुके हैं और एक नए व्यक्ति को, नौजवान को लोग मौका देना चाहते हैं। पूरी पार्टी एकजुट है, विशेष रूप से जो नौजवान मतदाता है वो जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और रूबी जी हमारे साथ विधानसभा जाए।